टू व्हीलर मल्टी ब्रांड सर्विस का जो कंपनी है और उनका बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम लेके आए हैं आपके लिए। एशिया बेस्ट मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस कंपनी है स्पीड पोस्ट, और इंडिया ओनली कंपनी ऐसी है जो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे। तो आज के जो वेबिनार है उसमें कंटेंट इस तरह से रहेंगे, ओवरव्यू ऑफ टू इंडस्ट्रीज, इंट्रोडक्शन देंगे स्पीड पोस्ट क्या है, किस तरह से काम करती है कंपनी, मार्केट पोटेंशियल क्या है, आगे कैसे बढ़ सकते हैं आप और हम साथ में मिलके, और अदर सर्विसेज क्या दे रहे हैं। तो टू व्हीलर सर्विस की इंडस्ट्रीज की बात करिए तो ये सालों से चली आ रही है, यानी मोर देन 70-80 साल पुरानी इंडस्ट्रीज है टू व्हीलर इंडस्ट्रीज, बराबर। सब्सटेंशियल ग्रोथ है टू व्हीलर इंडस्ट्रीज का जो हम देख रहे हैं, कि एक जमाना था कि एक घर में एक टू व्हीलर था, आज व्यक्ति हर एक व्यक्ति के पास टू व्हीलर है, बराबर। ऑलमोस्ट 12% से ग्रोथ से ये इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रही है। ईयर ऑन ईयर लास्ट 6 साल का डेटा जो अगर चेक करें तो 12% की ग्रोथ से बढ़ रही है, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और आगे वो भी ये बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा गैप है, गैप क्या है, सेल्स और सर्विस में गैप है। टू व्हीलर इंडस्ट्रीज की जो कैपेसिटी है इंडस्ट्रीज है उसमें सेल्स और सर्विस में गैप है। सेल्स और सर्विस में क्या गैप है, मैन्युफैक्चरर गाड़ियां बना रहा है, डीलर गाड़ियां बेच रहा है, लेकिन सर्विस के लिए अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरर का रिडक्शन रेशियो है वो 20% है, यानी 100 में से 20 गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ वो दूसरे साल या तीसरे साल डीलरशिप के ऊपर या सर्विस करवाने के लिए जो कंपनी के सर्विस है, OEMs के जो सर्विस स्टेशन है वहां पे आती है, बराबर। तो दूसरा क्या है, मैन्युफैक्चरर के अलावा उसका जो इतना रेसिडेंस है, मैन्युफैक्चरर का मेन फोकस क्या है पता है, मेन फोकस होता है वारंटी सर्विसेज। यानी आप देखो तो एक कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो एक टू व्हीलर जब बेचता है तो उसका जो मेन फोकस होता है, और उनको जो उन्होंने कस्टमर को वारंटी दिया 1 साल 2 साल 3 साल का जो भी, तो उनका मेन फोकस होता है उसको हैप्पी रखना वगैरह, बराबर। वो उसके बाद भी हैप्पी रखता है, लेकिन मैन्युफैक्चरर का सेटअप ऐसा होता है कि वहां पे कस्टमर रेगुलर जा नहीं पाता है क्योंकि कुछ लिमिटेशन है, बराबर। अदर देन मैन्युफैक्चरर कौन यहाँ पे सर्विस दे रहा है, लोकल मैकेनिक्स, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम किसी का यहाँ पे बुरा नहीं बोलेंगे, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल गैरेजेस है वहां पे कुछ ऐसे सर्विसेज है जो मिल नहीं पाती है। यानी अगर मैं बात करूं तो कस्टमर सर्विस, तो कस्टमर सर्विस का यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। टू व्हीलर सर्विस हो रहा है लेकिन कस्टमर सर्विस का बहुत बड़ा गैप है, लेकिन आज का जो कस्टमर है उसको कस्टमर सर्विस के ऊपर ही ये दुनिया चलती है। तो वहां पे लोकल वर्कशॉप, लोकल मैकेनिक्स है, वो प्रोफेशनल अप्रोच उनका नहीं होता है, पुअर हाउसकीपिंग होता है, वन मैन शो है, उसको अच्छा काम करना है लेकिन एक ही बंदा काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पा रहा है। तो ये जो गैप है वो फिलअप करने के लिए 7 साल पहले हमने एज ए स्पीड फोर्स चालू किया था। आज जैसे अशोक जी ने बताया 187 आउटलेट ऑलरेडी ओपनिंग हो गए, 187, बरोबर। जैसे कल आप बात करो तो कल भी हमने कर्नाटक में एक और ओपनिंग किया, और 19 तारीख को भी चिकमंगलुरु में भी ओपनिंग किया, और अभी ये 25th को हम और एक अकोला में भी ओपनिंग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, और 4 तारीख को गोवा में हम दूसरा आउटलेट बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह से ऑन गोइंग प्रोसेस है, हर महीने 10-12 फ्रेंचाइजीज खोलते हैं। और मार्केट पोटेंशियल की बात करें ये बिजनेस की, तो मार्केट पोटेंशियल बहुत बड़ा है। यानी यहाँ जितने भी लोग अवेलेबल है आप सबके एरिया में, ये जो बिजनेस है इसका मार्केट उतना ही बड़ा, उतना ही पोटेंशियल है जितना मुंबई, बेंगलोर, बड़ौदा में है, क्योंकि टू व्हीलर्स हर एक जगह पे, बराबर। जैसे मैंने बताया ग्रोथ की, तो लास्ट 5 साल का जो डेटा है उस पर 11.25 करोड़ टू व्हीलर बिके हैं। एक टू व्हीलर 4 बार सर्विस होता है साल में एवरेज, बराबर। तो 45 करोड़ सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज पोटेंशियल ऑफ मार्केट, बराबर। और अगले 5 साल की अगर हम बात करें तो अगले 5 साल, क्योंकि इंडिया की बात करें तो इंडिया इज नाउ यंग, यंगेस्ट इंडिया हम बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे 18 से 35 साल के लोग या 18 से 45 साल के लोग बहुत ही ज्यादा होंगे ये टेन्योर में। तो जो अगले 5 साल में वो 14 करोड़ टू व्हीलर्स बिकने जा रहे हैं, तो ये सर्विस का बिजनेस का मार्केटिंग बहुत ही बड़ा है। जो जिस तरह से मार्केट बढ़ रहा है, ग्रोइंग हो रहा है, उसी तरह रैपिडो एक्सपांस किया है, रैपिडली एक्सपेंस किया है कंपनी ने स्पीड फोर्स, बराबर। 7 साल पर, जैसे मैंने बताया 16-17 में हमने जो फ्रेंचाइजी का सब 5 हमारे कंपनी के आउटलेट थे, और 3 लोगों से चालू की कंपनी में, आज 300 से ज्यादा लोग है, और एवर ग्रोइंग 1000 से इनडायरेक्ट, और एवर ग्रोइंग ये बिजनेस फैमिली बढ़ता जा रहा है, बराबर। लेकिन सबसे बड़ा क्या है, आज का जो ये चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है पता, इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप देखें तो वहां पे कस्टमर का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। आज देखो, एक जमाना था कि कस्टमर कुछ भी कहीं पैसे भी ले लेता है, आज का कस्टमर अवेयर हो गया है, तो उनका एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, सब कुछ है।
आज का जो टू व्हीलर है बरोबर, उसके वो भी डिजिटल हो गया है, तो वहां पे स्टेट ऑफ लेटेस्ट आर्ट वर्कशॉप चाहिए, क्योंकि आज का टू व्हीलर ही आपको बता देता है कि मेरे को सर्विस चाहिए, तो वहां पे कस्टमर का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है कि मेरा इतना। और दूसरा क्या है कि टू व्हीलर इतना महंगा हो गया है तो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं अच्छी जगह पे ही सर्विस करवाऊं। दूसरा, आज की जो कस्टमर है और कोविड के बाद की अगर हम बात करें तो नीट एंड क्लीन सर्विस चाहिए उनको, नाइस लुकिंग पॉल्यूशन फ्री जगह पे ही जाना चाहिए, तो हम इस तरह के ही वर्कशॉप स्पीड फोर्स बनाता है। कॉम्पिटेंट ऑफिस एंड कंटिजेंट स्टाफ, जहां पे अच्छा व्यवहार आपसे होता है वहां पे तुरंत एज ए कस्टमर चला जाता है, भले ही दो पैसा महंगा पड़ रहा है लेकिन कस्टमर तुरंत ही वहां पे चला जाता है। टॉप एंड बैग्स अवेलेबल है, आप जो भी एरिया में रहते होंगे, इन छोटे मोटे एरिया में या बड़े शहर में, तो आप देखना आपके आसपास में टॉप एंड बैग्स अवेलेबल है, लेकिन उनकी प्रॉपर सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, जो कहीं ना कहीं एक कस्टमर का जो इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन है वो। और कस्टमर का दूसरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे सिंपल अगर मैं बात करूं तो हम जितने 30-35 लोग जुड़े हैं ये सारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं। मैं बड़ौदा से बोल रहा हूँ, अशोक जी जयपुर में है, फ्रेंचाइज अप्लाई की टीम है जयपुर में, कोई मुंबई से है, कोई दिल्ली से है, तो अलग अलग जगह से भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यूपी बिहार से भी जुड़े हैं। और आज का जो कस्टमर है उसको क्या चाहिए हमें, क्विक रिस्पॉन्स, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं, और जिसके पास टाइम नहीं है उसके पास पैसा होता है, तो कस्टमर का वहां पे भी एक क्विक रिस्पॉन्स बहुत ही जरूरी होता है। और कस्टमर रेडी है एक्स्ट्रा पे करने के लिए, एक्स्ट्रा केयर करने के लिए, एक्स्ट्रा सर्विसेस लेने के लिए, क्योंकि टू व्हीलर का जो डिजिटलाइजेशन हुआ है तो वहां पे चाहिए, तो वहां पे भी कस्टमर का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, आज 5 मिनट में कहीं पे भी कुछ होता है तो ऑटोमेटिक ग्लोबली सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ पता चल जाता है, यानी ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए आज के कस्टमर को। सो देर इज नीड फॉर स्पीड फोर्स, हम सर्विस विद डिफरेंस, नीट एंड क्लीन सर्विस करेंगे, हाईटेक टूल्स यूज करेंगे, डोरस्टेप सर्विस देंगे और ट्रांसपेरेंसी देंगे सर्विस में, यानी कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है और क्यों हम कर रहे हैं, बरोबर। अगर स्पेयर पार्ट है तो पुराना स्पेयर पार्ट हम चेंज कर रहे हैं तो क्यों चेंज कर रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन के साथ हम ट्रांसपेरेंसी डिलीवरी कर रहे हैं, और चाहे तो पुराना टू व्हीलर का जो स्पेयर पार्ट होता है वो हम उसको हैंड ओवर भी कर देते, लेकिन ये सारा काम हम करेंगे रीजनेबल चार्ज, क्योंकि हमारा टारगेट कस्टमर है टू व्हीलर यूजर, बरोबर, तो वो एक बजट में उनका लाइफ होता है, तो वहां पे हम रीजनेबल चार्ज के माध्यम से स्पीड फोर्स को एक आगे बढ़ा रहे और उसको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी इंटरनेशनल सर्विस दे पा रहे स्टैंडर्ड के हिसाब से। इंट्रोडक्शन करूं स्पीड फोर्स का, तो कंपनी है डिफरेंट स्किल सेट, वर्किंग एक्सपीरियंस है, आफ्टर सेल सर्विस, नेटवर्किंग, सेल्स मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अकाउंटिंग वगैरह का पूरा टीम को एक्सपीरियंस है। अगर रेंजिंग की बात करूं तो 6 साल से 38 ईयर्स की पूरी टीम है, बरोबर। आपको लगेगा 6 साल और 38 ईयर्स एक्सपीरियंस दोनों मैच कैसे होता है, तो ये आपके सामने है, जैसे मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ दीपेन बाराय, मिस्टर शाह है जिन्होंने 23 ईयर्स बजाज में काम किया और 15-16 साल से यही सेक्टर में है, कपिल भाई है जिन्होंने 20 ईयर्स अच्छी कॉर्पोरेट जॉब करी और 10-12 साल से आपके सामने यहीं पे और इतना इनका डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हैं, बरबर। राजकिशन जी है जो IPTS साउथ का सेल्स देखते हैं, रंगराजन सी है कैलरा का साउथ का सर्विस देखते हैं, कोहली सर है जो कर्नाटका का सेल्स और सर्विस देख रहे, उसी तरह पॉल सर है जो ईस्ट का सर्विस देखते हैं, और नीरव भट्ट जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का सेल्स देखते हैं। तो यानी ये आप देख रहे हैं ना कि एक 28, 30, 32 ईयर्स का बंदा है और उसके सामने 62 ईयर्स के भी बंदे हैं। तो अगर ये बात करें तो ये यहाँ पे मिस क्या है, मिस एंड मैच क्या है, ये मिस एंड मैच क्या है, एक जो टीम है और जो सीनियर टीम है उनके पास एक्सपीरियंस है, बरबर। अभी एक्सपीरियंस है तो उसको चाहिए क्या, एनर्जी, तो ये यंग टीम है वो एनर्जी, तो यानी आपका जब आउटलेट बनेगा तो यंग टीम का एनर्जी लगेगा और जो सीनियर टीम है उनका एक्सपीरियंस लगेगा, तो वहां पे सबके लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगा। आपके लिए बैकएंड पूरी टीम है, यहाँ पे हमारे 40-45 लोग की पूरी टीम है बैकएंड में, और मार्केट में भी उतने ही लोग है जो आपको हर एक एरिया में सपोर्ट करने जा रहे हैं। आपका एवरीथिंग, आपका डेटा स्टाफ आउटलेट चालू हो जाने से लेके, आउटलेट चालू होने से पहले से लेके, बरोबर, जगह से लेके एवरीथिंग, हर एक के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे। वी कॉल्ड इट स्पीड फोर्स फैमिली, तो ये हमारा स्पीड फोर्स परिवार है जिसमें आपका हम यहाँ पे स्वागत भी करते हैं, तो यही परिवार जो बढ़ रहा है उसमें आप हमारे साथ जुड़ के आगे बढ़ सकते हैं। स्पीड फोर्स क्या है, टू व्हीलर सर्विस स्टेशन प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड, यानी मार्केट का जो डिमांड है वो हिसाब से हम यहाँ पे सर्विस देंगे। पीरियोडिक सर्विस देते हैं, माइनर मेजर रिपेयर करते हैं, एक्सीडेंट रिपेयर करते हैं, AMCs करते हैं, बैटरी सर्विसेज करते हैं, इलेक्ट्रिकल सेल्स सर्विस करते हैं, और EV चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लगा रहे हैं।
हमारे हर एक आउटलेट के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग वगैरह भी लगा हुआ है। पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी देते हैं, ब्रेकडाउन फैसिलिटी देते हैं, वैल्यू एडेड सर्विस देते हैं, बरोबर, और इंश्योरेंस का भी हम सर्विस देते हैं। अब देखो तो टू व्हीलर्स का जो कस्टमर होता है उसको कहीं ना कहीं इंश्योरेंस वो निकलवाने के लिए कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, तो हम यहाँ पे इंश्योरेंस और यूज्ड टू व्हीलर के ऊपर वारंटी देते हैं। इंडिया में एक ही स्पीड पोस्ट ऐसी कंपनी है जो पुराने टू व्हीलर के ऊपर वारंटी देती है, बरोबर। लुब्रिकेंट्स हम टॉप वर्ल्ड के टॉप क्लास के लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज स्पेयर्स भी सप्लाई करते हैं। स्पीड फोर्स के साथ ही बिजनेस क्यों करना चाहिए? आप जब बिजनेस ही करने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं तो स्पीड फोर्स के साथ ही बिजनेस को नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, इंडिया इंटरनेशनल एंड नंबर वन कंपनी, बरबर, बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आज 200 से ज्यादा लोकेशन के ऊपर अवेलेबल है, तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसीलिए तो अवेलेबल है, बरबर। लार्ज पोटेंशियल है, यानी मैंने जैसे बताया, आप जितने भी लोग हैं आपके एरिया में भी उतना ही पोटेंशियल है जितना बेंगलोर, बड़ौदा और बॉम्बे में है। करंट चैनल का लिमिटेशन है, जैसे आपने देखा करंट चैनल है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि डीलर का वर्कशॉप है एज वेल एज लोकल गैरेजेस, तो उनका लिमिटेशन है, हम कोई वो नहीं बोल रहे, लेकिन उनका लिमिटेशन है, उसको ओवरकम करके हम टू व्हीलर सर्विस के साथ साथ कस्टमर सर्विस भी यहाँ पे दे रहे। पर टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ट्रेन करते हैं मैन पावर को। आप देखो तो आज जमाना है टेक्नोलॉजी का, बरबर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम सब भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही जुड़े हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी हमने हमारे आउटलेट के ऊपर भी इंस्टॉल करते हैं। जैसे छोटा मोटा आपको अगर एक एग्जाम्पल दू, एक जमाना था कि प्लग साफ करना है तो प्लग खोल के पूरा उसको रिपेयर करना, ब्लेड लगा के वगैरह सब करता था। आज हमारे पास मशीन है कि लगाया विद इन 30 सेकंड उसका पूरा सेटिंग हो जाता है। नट बोल्ट खोलना है तो न्यूमेटिक्स वगैरह सब है, तो यानी जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू मैन पावर को हम ट्रेन करते हैं। तो उससे फायदा दो तरह का होता है, एक फायदा होता है कस्टमर को, उनका टू व्हीलर जो होता है जो रिपेयर हो रहा है उसका लाइफ बढ़ जाता है, बरबर। दूसरा फायदा होता है मैकेनिक्स को, जो काम कर रहा है बंदा, तो वहां पे उनको वो ज्यादा श्रम यानी या उसको फिजिकली वो फिट रहता है, समझ रहे, तो यानी ये दोनों का हम मैन पावर का इस तरह का यूज करते हैं और उसको ट्रेन भी करते हैं। मार्केट का जो ट्रेंड है वो ही हम फॉलो कर रहे हैं, यानी आज का समान है जिसके पास मैंने बताया उस समय नहीं है, बरबर, तो उनका वो जो ट्रेन है पिकअप एंड ड्रॉप का है, ब्रेकडाउन फैसिलिटीज है, वो सारा ट्रेंड हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। नया नया जैसे ईवी का मैं बताया, ईवी सर्विसिंग, ईवी चार्जिंग सेशन वगैरह भी हम यहाँ पे फॉलो है। कस्टमर जो रेडी है एक्स्ट्रा केयर करने के लिए, अपने टू व्हीलर्स के एक्स्ट्रा स्पेंड करने के लिए, तो वहां पे हम रेडी है वो लेने के लिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है क्योंकि इतने आउटलेट बन रहे हैं, तो हर एक एरिया में एक आउटलेट बनता है तो 5-7 लोग यहाँ पे जुड़ते, तो उनका एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन है, और आउटलेट ओनर होता है तो वहां पे हम बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योर जनरेशन भी हो रहा है। और हम आत्मनिर्भर जो भारत हमारा गवर्नमेंट का विजन है, बरोबर, कि आप जॉब गिवर्स बनिए, जॉब सीकर्स मत बनिए और आत्मनिर्भर बनिए, तो वहां पे हम ये कंपनी को आप सबको मिलके लेके जा रहे हैं। किस तरह से काम करता है कंपनी, प्रॉपर हैंड होल्डिंग एक्टिवेट रहता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे ध्यान देना है। हैंड होल्डिंग एक्टिविटी कैसा होता है? सबसे पहला ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, तो यहाँ पे कोई भी आपको एक्सपीरियंस होने की जरूरत नहीं है, ऑटोमोबाइल का ए भी नहीं आता है, तो ये बिजनेस आराम से कर सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है आपका, टेक्निकल ट्रेनिंग होता है, मार्केटिंग सपोर्ट होता है, टाइमली विजिट्स होता है, ऑडिट्स होता है, फ्रेंचाइजी मीट होता है, हमारा टेक्निकल सपोर्ट होता है जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उसके लिए, बरबर, हमारा ईआरपी सॉफ्टवेयर वगैरह है, मोबाइल ऐप है, तो जिसके माध्यम से कस्टमर वहां पे बुकिंग करवा सकता है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अपना पूरा वहां पे डेटा गैदर कर सकते हैं, कस्टमर का डेटा एज वेल एज फाइनेंशियल डेटा वगैरह सब वहां पे कर सकते हैं। दूसरा, वहां पे क्रॉस लर्निंग प्रोग्राम चलाते हैं हम, डेटाबेस कॉलिंग, आपका जो डेटा है, आपके एरिया का जो डेटा है उसका, मैंने जैसे अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो हमारी टीम है वो वहाँ पे डेटाबेस कॉलिंग भी करती है, कस्टमर का फीडबैक लिया जाता है और क्रॉस लर्निंग प्रोग्राम जो चलाया जाता है कि वहाँ पे एक फ्रेंचाइजी जो एक एरिया में अच्छा कर रहा है तो उसके साथ, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी का बिजनेस है एज वेल एज ये ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं, समझे, मैं एग्जाम्पल दूं, अगर कोई भी एक एरिया का जो फ्रेंचाइजी है वो दूसरे एरिया को आराम से यहाँ पे बिजनेस सिखा सकता है, क्योंकि टू व्हीलर का जो कस्टमर है वो 5-7 किलोमीटर से दूर, ज्यादा दूर सर्विस करवाने के लिए जाता नहीं है। आप भी देखना, आपके पास भी टू व्हीलर होगा तो आपने बहुत ज्यादा दूर जाते नहीं है। दूसरा, हमारा सपोर्ट रहता है पूरा टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में सपोर्ट रहता है, ब्रांडिंग्स में सपोर्ट रहता है, स्टेशनरी सारी हम सप्लाई कर रहे हैं, यानी आपको एक विजिटिंग कार्ड भी छपवाने की जरूरत नहीं है। मार्केटिंग किट पूरी दिए जाते हैं, लेफ्ट है, प्रमोशनल कैनोपी एक्टिविटीज है, सॉफ्टवेयर है तो डिटेल जैसे मैंने बताया, ईआरपी सिस्टम है, ऐप है हमारा ऑनलाइन, ऐप के थ्रू माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं कस्टमर्स, मार्केटिंग सपोर्ट होता है, हैंड होल्डिंग एक्टिव, मार्केटिंग में हम कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जो आपको वहां पे रेगुलर करनी है
उसका भी हम प्रॉपर हैंडहोल्डिंग हमारी टीम आपके आपको सिखाती है कि आपको इस तरह से करना चाहिए। उसी तरह एडवाइजर ट्रेनिंग होता है, ऑनर्स ट्रेनिंग होता है, अलग अलग ट्रेनिंग होता है, टेक्नीशियन ट्रेनिंग होता है, एडवाइजर ट्रेनिंग और अलग अलग ट्रेनिंग्स भी होता है हमारी ओर से। तो हर एक जगह पे हर एक के लिए पूरे डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है और टाइम टू टाइम आपके आउटलेट के ऊपर विजिट्स भी होता है, ऑडिट्स भी होता है और उसके आगे कैसे बढ़ना है वो भी सिखाया जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट है 7.5 लाख प्लस जीएसटी, अगर उसको मैं बाइफर्केशन करूं बरोबर तो हम एक फ्रेंचाइजी फी जो ले रहे हैं वो इनिशियल 1 लाख रुपया ले रहे हैं, 3.5 लाख के हम इक्विपमेंट मशीनरी प्लानिंग इंस्टॉलेशन में जाता है आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में, और 2 साल का मेंटेनेंस भी कंपनी की ओर से प्रोवाइड किया जाता है। बरोबर, इसमें सारे इक्विपमेंट आ जाते हैं, चाहे BS6 की किट हो या चार्जिंग स्टेशन हो इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो सब हम आपको सप्लाई करते हैं। इंटरनल सुपर ग्राफिक्स फ्रंट फेसिया है वगैरह सब हम ब्रांडिंग्स के लिए 1 लाख रुपया आपका इन्वेस्टमेंट होता है, स्टेशनरी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स ऑडिटिंग मॉनिटरिंग के लिए आपका 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट होता है, मार्केटिंग सपोर्ट और डेवलपमेंट के लिए आपका 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट होता है। टोटल मिला के 7.5 लाख प्लस जीएसटी इन्वेस्टमेंट होता है तो 885। और इसके अलावा आपका खुद का वहां पे 1-2 लाख रुपया और इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे जगह का डिपॉजिट है, छोटा मोटा फर्नीचर है कंपनी के हिसाब से, जो कलर का कोड है फर्नीचर है पर उनके हिसाब से आपका थोड़ा बहुत 1-2 लाख रुपया का स्टॉक भी इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो नंबर अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो यहाँ पे रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू जो है वो डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट दोनों होता है। डायरेक्ट रेवेन्यू की बात करें तो 10 अगर व्हीकल आते हैं, बरोबर 10 व्हीकल के सामने अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज 300 रुपया सर्विस चार्ज है। तो 10 व्हीकल के सामने अगर मैं बात करूं रेवेन्यू की तो 3000 का रेवेन्यू हो जाता है डेली का। ये 10 व्हीकल रोज नहीं आते बरोबर, लेकिन ये एक लेवल पे 4 से 6 महीने में आउटलेट के ऊपर डेली ये 10 व्हीकल आते हैं। शुरुआत में वहां पे अवेयरनेस होगा, उसके बाद ये एवरेज आ जाता है। 10 में से 7 गाड़ी में जब ऑयल चेंज करते हैं तो ऑयल की बात करो तो 100 रुपीज वहां पे भी मार्जिन है, तो वहां पे भी वो अच्छा मार्जिन मिल जाता है। स्पेयर की बात करें तो 10 व्हीकल के ऊपर 400 रुपीज का अगर स्पेयर की कंज्यूमेबल की बात करें तो 30% मार्जिन तो 1200 वहां पे भी मिल जाता है। तो ये छोटा मोटा में कैलकुलेशन है। अगर मैं बात करूं ये तो आप देखना, आप खुद के लाइफ में देख लेना कि आपका जो टू व्हीलर आप सर्विस करवाने जा रहे तो वो जो टू व्हीलर सर्विस करवाने जाए वहां 800 से 1200 रुपया एक्सपेंस कर रहे हैं आज, बरोबर वही जो 800 से 1200 यानी एवरेज 1000 रुपीज आप एक्सपेंस कर रहे हैं तो उसको ही हमने यहाँ पे कवर किया है। छोटे से छोटा मैकेनिक भी होता है तो वहां पे भी 5-7 गाड़ियां आराम से सर्विस होती है बरोबर। तो उसके अलावा एक्स्ट्रा लेबर जनरेट होता है, कस्टमर जो भी होता है तो कस्टमर वहां पे आता है तो छोटा मोटा काम करने के लिए भी हम वहां पे उसको इनवाइट करते हैं, उसका भी वो काम करते हैं, तो वहां पे भी दिन में 400-500 रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। मेजर जॉब होता है तो इंजन का डेंटिंग पेंटिंग का काम, मॉडिफिकेशन काम, हम चाहते नहीं किसी का एक्सीडेंट हो, लेकिन एक्सीडेंट का काम होता है तो एक्सीडेंट का भी वर्क वहां पे मिल जाता है हम करते हैं। लेकिन ये गाड़ियां रोज नहीं आती, महीने में 8 से 10 गाड़ी आ जाती है तो वहां पे दिन का 600-700 रुपया हम वहां से भी निकाल सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ये हो गया डायरेक्ट इनकम। इसके अलावा इनडायरेक्ट इनकम है जो हम अलग अलग जो वेस्ट व्यू है स्क्रैप है वो इनडायरेक्ट इनकम भी है। अभी ये इनकम करना है लेकिन इनकम करने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए, जगह चाहिए, एक्सपेंस करना पड़ेगा। हमारा वहाँ पे कैपिंग होता है 30,000 के आसपास की, हम जगह ढूंढते हैं 30-35,000 के आसपास की सैलरी का कैपिंग होता है, एज वेल इलेक्ट्रिक मशीनरी मेंटेनेंस का 9-10 हजार रुपया खर्चा होता है, टैक्स एम्प्लॉय इंसेंटिव का 6-7 हजार रुपया खर्चा इन्वेस्टमेंट होता है, जो आपने किया है उसका EMI अगर हम काउंट करते हैं तो 15,000 वो भी होता है, तो 1-2 लाख रुपये का आपका खर्चा होगा। तो अगर मैं डेली का 6-7 हजार का रेवेन्यू काउंट करूं और महीने का 30 दिन करूं 1,80,000-2 लाख का आसपास का रेवेन्यू, उसके सामने 1 लाख का एक्सपेंस की अगर बात करें तो 70-80 हजार रुपए ये बिजनेस में कमाना बहुत इजी है। ये हो गया नॉर्मल बरबर। इसके अलावा AMC सेल्स है, कूपन सेल्स है, इंश्योरेंस सेल्स है, वारंटी सेल्स है, ये सारी इनकम आपको एक्स्ट्रा होती है। अगर ऑटोमोबाइल का बिजनेस की बात करें तो ये जैसे अशोक जी ने शुरुआत में बताया कि लो इन्वेस्टमेंट हाई रेवेन्यू का बिजनेस है, स्टॉक इन्वेंट्री वहां के वहां पे रखनी नहीं पड़ती है क्योंकि हमारा सप्लायर होता है वो आपसे नजदीक होता है, वो आपको वहां पे स्टॉक इन्वेंट्री सप्लाई कर रहा है। ओवरहेड एक्सपेंस की बात करें तो मीडियम होता है, यहाँ पे सीजनल इफेक्ट कोई होता नहीं है क्योंकि आप देखो तो हर एक सीजन में अलग अलग होता है, हर एक सीजन में अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं टू व्हीलर्स में। डेली नीड का बिजनेस है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है क्योंकि 18 प्रकार की यहाँ पे इनकम है ये बिजनेस में। अगर आगे बढ़ने की बात करें हम तो वे फॉरवर्ड तो हमारा मेन टारगेट है कि मेट्रो सिटीज 2 टायर सिटी 3 टायर से आपका एरिया बरोबर, और 300 फ्रेंचाइजी हम बनाने जा रहे हैं जिसमें आप सबको हम साथ में लेके जाना चाहते हैं। पैन इंडिया और एशिया स्पेसिफिक हमारा स्पेशल मार्केट टारगेट है
हमारे ऑफिशियल पार्टनर की बात करूं, स्पेयर पार्ट हम मिंडा की ओर से आपको सप्लाई करते हैं, लुब्रिकेंट्स कैस्ट्रोल की ओर से सप्लाई करते हैं, इंश्योरेंस के लिए रिन्यू बाइस के साथ हमारा टाइप है, ईआरपी सिस्टम मैट्रिक्स के साथ टाइप है, और वारंटी जैसे मैंने बताया कि पुराने टू व्हीलर के ऊपर वारंटी हम देखते हैं, तो वारंटी पार्टनर कॉर्पोरेट वारंटी इंडिया CWI की ओर से हम आपको, और ईवी चार्जिंग सेशन हम बहुत सारी कंपनी के साथ करते हैं, बहुत दूसरी दो तीन कंपनी से उनके साथ भी हमारा ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो यहाँ पे वो जो फ्यूचर है उसके लिए भी कंपनी रेडी है। अगर फुटप्रिंट की बात करें तो पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर में हमारा लाल चौक में आउटलेट है, और केरला में हमारा अन्नाकुलम में भी आउटलेट है, असम में अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में भी आउटलेट है, और गुजरात में पोरबंदर में भी आउटलेट है। यानी आप जो भी जितने भी लोग यहाँ पे है आपके एरिया में हमारा आउटलेट है ही, 500 से 1000 किलोमीटर के एरिया में हमारा आउटलेट है ही। और इस तरह का हम आउटलेट बनाते हैं, पूरा फ्रंट फेसिया इस तरह से बनाएंगे, इंटरनल सुपर ग्राफिक्स वगैरह इस तरह से होगा, मशीनरी वगैरह इस तरह से लगेगी, रेड एंड व्हाइट जो ये कलर है वो आपको करवा के देखना देना है, ये जो इलेक्ट्रिक फिटिंग है वो भी आपको करवा के देना है, और ये छोटा मोटा जैसे मैंने बताया कि फर्नीचर वगैरह भी आपको करवा के देना है। मेन अगर मैं बात करूं मार्केटिंग वगैरह की, तो हमारी जो मेन टीम है वो आपको सपोर्ट करेगी मार्केटिंग के लिए, बराबर। तो इंडिविजुअल आउटलेट के लिए अलग अलग बंदा होता है जो आपको मार्केटिंग सपोर्ट करता है, उसी तरह ब्रांड प्रमोशन होता है, को ब्रांडिंग प्रमोशन होता है, और इस तरह से पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम कैंपेन भी करते हैं, ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं कूपन सेल्स वगैरह के लिए, तो वहां पे एक अलग लेवल का आपको सपोर्ट मिलता है। ब्रांड और आपका आउटलेट अवेयरनेस के लिए हम रिक्शा बैनर भी लगाते हैं, जरूरत लगे होर्डिंग्स भी लगाते हैं, और इस तरह के हम रिक्शा में ऑडियो लगा के एड भी करते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया हुआ है, बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारी जगह पे हमारा और हमारी फ्रेंचाइजी अप्लाई की मैगजीन में भी हम भी बहुत बड़ा आर्टिकल आया हुआ है। जब काम करते हैं तो लोग नवाजते हैं, तो वाइब्रेंट गुजरात की ओर से हमको अवार्ड मिला है, स्टार्टअप गुजरात सहजी स्टार्टअप गुजरात एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड मिला है, बेस्ट टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला है, टॉप प्रोमिसिंग टू व्हीलर कंपनी, यानी ये कंपनी ऐसी है जो आपसे वादा करती है वो निभाती है, तो टॉप प्रोमिसिंग का भी अवार्ड मिला है। और लास्ट की बात करें अभी तो गुजरात के जो CM है उनके हाथों गुजरात की टॉप 25 इमर्जिंग कंपनी में हमको अवार्ड मिला है स्पीड फोर्स को, बराबर। और इंडिया में पहली ऐसी कंपनी है जो स्टार्टअप इंडिया के अंदर रिकॉग्निशन है, और इसका स्टार्टअप इंडिया DIPP में रजिस्ट्रेशन है, बराबर। स्मॉल बिजनेस 2020 भी अवार्ड मिला है, जिस तरह से हमको अवार्ड मिलता है उसी तरह हम अवार्ड देते भी है, तो यहाँ पे इस तरह का अवार्ड प्रोग्राम भी करते हैं कि फ्रेंचाइजी ट्रेंड्स फ्रेंचाइजी, जिस तरह से एक फ्रेंचाइजी मैंने बताया शुरुआत में कि एक फ्रेंचाइजी दूसरे फ्रेंचाइजी को भी हमारे यहाँ सपोर्ट करता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट की बात करें तो टॉप 25 इंडिया बेस्ट फ्रेंचाइजी जो हमारी फ्रेंचाइजी अप्लाई की टीम जो है उन्होंने 6 महीना बहुत ही मेहनत करके हमको ये अवार्ड दिया है, जिस इंडिया ओनली इंटरनेशनल कंपनी प्रोवाइडिंग मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस वर्कशॉप फ्रेंचाइजी, जो अशोक जी और पूरी टीम ने ऑटोमोबाइल फ्रेंचाइजी एक्सलेंस अवार्ड हमको दिया है। तो थैंक यू अशोक जी एंड पूरी फ्रेंचाइजी अप्लाई टीम, थैंक यू। छोटा सा प्रोसेस है, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके साथ आपका 1 लाख का NEFT या RTGS या DD आप दे सकते हैं, KYC डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके बाद कंपनी की ओर से आपको LOI दिया जाएगा। जैसे ही आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिलता है उसके बाद आपको जगह ढूंढना है, 2 से 3 जगह ढूंढना है, और वहां पे हमारी टीम आएगी तो वो जगह का सर्वे करेगी, और वहां पे उसको कौन सी जगह आइडियल है हमारे आउटलेट के लिए वो वहां पे आपको अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद बेसिक साइट वर्क होता है, वेंडर पेमेंट होता है, फाइनल पेमेंट होता है, मटेरियल्स का प्रोविजन होता है, इंस्टॉलेशन होता है, उसमें सब में आपका सपोर्ट लगता है, क्योंकि हम स्पीड फोर्स फैमिली की तरह वहां पे बढ़ेंगे, तो वहां पे हर एक जगह पे फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर का दोनों का वहां पे साथ में रोल रहेगा। रिक्रूटमेंट पावर का रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है वो सारी हम देंगे, बेंडिंग है, डॉक्यूमेंट्स है हम प्रोवाइड करेंगे, फोटोग्राफ्स लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, और आपका इनोग्रेशन और स्टार्टअप चालू करेंगे। तो थैंक यू फ्रॉम माई साइड अशोक जी, अभी एक छोटा सा एक वीडियो देख लेंगे, उसके बाद जो भी आपकी क्वेरी से क्वेश्चन है वो सारे सोल्व करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्पीड फोर्स भारत की नंबर 1 अति आधुनिक पद्धति से काम करने वाली मल्टी ब्रांड टू मिरर कंपनी है। गुजरात बेस्ड ये कंपनी स्पीड फोर्स तेजी से अपनी फ्रेंचाइजीज पूरे भारत में बढ़ाती जा रही है। योग्य
और प्रशिक्षित टेक्नीशियंस से लैस ये कंपनी अपने हर टेक्नीशियंस को समय समय पर अति आधुनिक पद्धति और उपकरणों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देती है। आप हमारे सर्विस ऐप से आसानी से सर्विस अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना मूल्यवान समय भी बचा सकते हैं। सर्विस के दौरान 21 चेक पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है। हर गाड़ी अच्छी तरीके से सर्विसिंग के दौरान 3 बार सैनिटाइज की जाती है और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। वर्कशॉप से 3 किलोमीटर के व्यास में सर्विस के लिए फ्री पिकअप ड्रॉप सुविधा उपलब्ध है। पेट्रोल समाप्त होने की स्थिति में भी पेट्रोल पहुंचाया जाता है। हमारी कंपनी में फोम वॉश की अति आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, जिससे आपकी गाड़ी की आयु बढ़ती है, उसको जंग लगने से बचता है। गाड़ी रास्ते में खराब होने की स्थिति में आप हमारे रोड साइड असिस्टेंस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ये सुविधा हमारी वर्कशॉप से 25 किलोमीटर के व्यास में दी जाती है। स्पीड फोर्स कंपनी की सभी शाखाओं में सभी फ्रेंचाइजीज में जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी कंपनी का कैस्ट्रॉल के साथ भी टाइप है। हमारी सभी वर्कशॉप हाईटेक है, जहां सभी आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है।